हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका गीता ब्लॉग्स एंड किचन में। तो बस अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ टोस्ट, आलू वाले टोस्ट। इनके अंदर मैंने ये पिट्ठी भरी है आलू की और यहाँ पे दो तीन सीख भी चुके हैं और यहाँ पे और मैंने टोस्टर के अंदर डाल दिए हैं सीखने के लिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और जो भी चैनल पर न्यू हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मैं नाश्ता बना लेती हूँ और नाश्ता बनाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी ये वाले भी सीख गए हैं, अभी हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे सिक्के निकले हमारे ब्रेड। तो देखिए यहाँ पे हो चुके हैं हमारे गर्मा गर्म टोस्ट बनकर तैयार। तो आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए सुबह सुबह का। और बच्चे तो अभी सो के उठे हैं तो उन्होंने तो नाश्ता नहीं किया है, लेकिन उनके पापा खा पी के अपना चले गए हैं ड्यूटी के लिए। तो प्रियांशु यहाँ पे अभी उठ के बस फ़ोन में लग गया है और मैं लग गई हूँ अपनी सफाई करने में, क्योंकि मैंने नाश्ता तो बना दिया है, सफाई बाकी पड़ी थी अभी। तो बच्चे तो अभी सो के उठे हैं, मैंने उनसे पूछा था कि नाश्ता कर लो तो वो अभी मना कर रहे हैं, उनका मन नहीं है अभी नाश्ता करने का। तो मैं इतने अपनी सफाई का काम ख़त्म कर देती हूँ। और यहाँ पे आज मैं हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि ना मोप से तो खैर रोज़ लगाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हाथ से चमक आती है ना घर के अंदर काम करने से, वो और किसी चीज़ में नहीं आती है। मतलब इतनी चमक मोप भी नहीं देता जितनी हम हाथ से कर लेते हैं। तो बस हफ्ते में एक बार मैं हाथ से भी लगा ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सफ़ाई कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी यहाँ पे बच्चे आ गए हैं किचन में और आज वो बनाने वाले हैं आइसक्रीम, वो भी ओरियो बिस्किट के साथ में। तो बस वर्षा ने यहाँ पे दूध डाल लिया है और दो पैकेट लिए थे ओरियो बिस्किट के। मैं तो इनसे यहाँ पे बोल रही थी कि मैं बना देती हूँ, लेकिन नहीं, इन दोनों को लगी पड़ी थी कि नहीं, हमें तो खुद ही बनानी है आइसक्रीम, मम्मी आज हम ही बनाएंगे। इन्होंने क्या किया कि जो बिस्किट के अंदर क्रीम आती है ना उसको एक साइड पे निकाल लिया और उसको फिर बाद में दूध में घोलने की कोशिश कर रहे थे, जो कि वो अच्छे से घुल भी नहीं पाई है। इसके बाद में डाल दिया है ओरियो बिस्किट, जो कि इन्होंने ज़्यादा ही पतला कर लिया है मतलब थोड़ा सा टाइट होना चाहिए था, वो थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया। तो बस इसको यहाँ पर घोल घाल के और इसको फ्रीज़र में डाल देंगे जमने के लिए। ये देखिए इसकी जो क्रीम थी ना वो भी अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाई है इसके अंदर। तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं जैसा करना सीख रहे हैं, खुद कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसे भी करेंगे ठीक है। और अभी इन्होंने ग्लास में डाल दिया है, इनको रखने वाले हैं फ्रीज़र के अंदर। यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है और इस दूध का मैं दही जमाने वाली हूँ, क्योंकि आज मुझे शाम को कढ़ी चावल बनाने हैं। तो वर्षा को कढ़ी चावल खाने हैं तो बोल रही कि मम्मी शाम को मेरे लिए कढ़ी चावल बनाना, तो सबसे पहले मैं दही जमा के रख देती हूँ। और वैसे ना मुझे सुबह से याद भी नहीं रही, और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे का। अभी देखती हूँ कि शाम तक ये दही मेरा तैयार हो पाता है कि नहीं हो पाता है। बस रख रही हूँ खट्टा लगा के दूध में, और अगर दही बन गया तो कढ़ी चावल बन जाएंगे शाम को, नहीं तो फिर कुछ और ही देखना पड़ेगा। तो चलो जमाते हैं इसको, थोड़ा सा खट्टा और डाल देती हूँ इसमें। स्टार्ट। हमें ऐसे लग रहा कोई भैंस दूध दे रही। मैंने इसमें 2 चम्मच दही डाल दिया है, थोड़ा ज़्यादा ही डाला है क्योंकि मुझे जल्दी जमाना है ना, शाम तक तैयार करना है, तो इस चक्कर में मैंने ज़्यादा ही डाल दिया है। और इसको ना मैं अभी उठा के रख दूँगी आटे के अंदर, ताकि इसमें थोड़ी सी गर्माहट बनी रहे और ये दही हमारा थोड़ा जल्दी तैयार हो जाए। अगर हम बाहर रखेंगे तो दूध ठंडा जल्दी होगा तो जम भी नहीं पाएगा, इस चक्कर में मुझे आटे में रखना पड़ेगा। उसको कर दिया मैंने अच्छे से मिक्स, और अभी मैं रख देती हूँ आटे के बीच में इसको थोड़ा सा। तो हमारे बच्चों ने जो सुबह आइसक्रीम बनाई थी खुद अपने हाथों से, वो कुछ भाई दिखा तो दो खाने में लगे हुए, वो कुछ ऐसी बन के आई है। हमारी ये है हमारे बच्चों की मेहनत, हमारे मम्मी की बच्चों की मेहनत जो इन्होंने बिस्किट से बनाई थी ना सुबह आइसक्रीम, खा लो मम्मी तो वो है जाएगा। अपनी भी निकाल लूं, मैं सबकी निकालूंगी। खा लो खा लो खा लो, ये मेरी वर्षा ने बनाई थी, दोनों हाँ दोनों ने मिलकर बनाई थी। मैं सॉरी सॉरी, एक को क्रेडिट दे रही हूँ, सॉरी। चीनी मिलाई है मात्र कोई बात नहीं, क्रेडिट दोनों को जाना चाहिए, दोनों का हाथ है ना। ये क्या चाहिए खाने में? मस्त। कैसी वर्षा? बढ़िया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो वर्षा जा रही है अभी ट्यूशन, शाम का टाइम हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को सुबह बताया था कि सुबह मैंने दही जमा के रखा था कढ़ी बनाने के लिए, तो दही तो जम नहीं पाया है तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता हमें। तो मैंने अभी फाइनली अभी रख दिया दाल बनने के लिए, तो अब मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल।
तो कोई बात नहीं, आज दाल चावल खा लेंगे। और वर्षा का यहाँ पे हो चुका था टाइम ट्यूशन जाने का, तो मैं यहाँ पे वर्षा की चोटी बना दूंगी और वर्षा को भेजती हूँ ट्यूशन। उसके बाद में मैं अपना काम करती हूँ और थोड़ी देर मुझे लाइव भी स्टार्ट करनी है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद में। बाय 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 बाय। क्या हुआ? तो देखिए यहाँ पे हमारी दाल उबल रही है, लेकिन हुआ क्या कि कुकर से पानी निकल गया। वो तो मैंने ढक्कन में तेल भी लगाया था और इसकी जो रबड़ है ना कुकर की, इस पर भी मैंने तेल लगा के तब मैंने बंद किया था, लेकिन उसके बाद भी इसमें से पानी निकल गया है दाल का। तो सारे गैस भी गंदी हो गई है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना पानी आ गया है। तो मैं करती हूँ उसको साफ़। एक काम और बढ़ गया है हमारे लिए। तो अभी हो गया है रात का टाइम और खाना पीना भी हमारा सब कुछ हो चुका है, सोने का टाइम है। मैं यहाँ पे दूध ले गई थी बच्चों के लिए और इनके लिए। तो बस वर्षा यहाँ पे अपने पापा से बातें कर रही थी, कुछ पता नहीं क्या क्या बात कर रही थी। मैं तो किचन में थी इस टाइम पर और अभी आई हूँ बाहर में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को गुड़ खिला रही हूँ कि मैं दूध के साथ में गुड़ ले गई थी इनको देने के लिए। तो मैं आप लोगों को भी खिलाती कि आप लोग भी गुड़ खा लो। और प्रियांशु देख रहा है अपना ही ब्लॉग, मतलब मेरा ब्लॉग देख रहा है दूसरे वाले फ़ोन में चला के, पापा के फ़ोन में, और पापा को साथ साथ दिखा रहा है। आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। थोड़ा तेज बोलो। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। हमारी ऑडियंस को आवाज़ आनी चाहिए। ऐसे सपोर्ट करते रहो और क्या। सब लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये सपोर्ट किया। हाँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बढ़ते रहो आगे, हम भी बढ़ते रहो, तुम भी बढ़ते रहो। सही बात, ऐसे सबको भगवान ठीक ठाक रखे, साथ में हमें भी सब ठीक ठाक रखे। तो बच्चों आपको बताओ, आपको कैसा लगा हमारे 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं और हमारी तरफ से आप सभी को धन्यवाद। दिल से धन्यवाद, है ना? दिल से धन्यवाद। प्रियांशु आपको बताओ, आपको कैसा लगा? हमारी 1K फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। 1000 लोगों की फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है यूट्यूब फैमिली। तो आपको कैसा लग रहा है? फिर हम लोग 1004 लोग हैं। हाँ बताओ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू नहीं बोलना चाहोगे सबको? थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया, तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखना और अच्छी अच्छी वीडियोस को देखते रहना। अभी तो बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है आप लोगों के। और हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।